पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन का पहला वर्षगांठ आज मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में नए टर्मिनल भवन के प्रस्थान हॉल में समारोह का आज आयोजन हुआ। पेश है एक रिपोर्ट। पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन का पहला वर्षगांठ आज मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में नए टर्मिनल भवन के प्रस्थान हॉल में समारोह का आज आयोजन हुआ। इस अवसर पर प्रशासन के विशेष सचिव नंदिनी महाराज मुख्य अतिथि थी। इनके अलावा प्रशासन में नागरिक विमानन के सचिव विश्वेंद्र, हवाई अड्डा निदेशक देवेंद्र यादव, गणमान्य मेहमान और पर्यटन कमान, मीडिया और प्रशासन के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम में विमानन सचिव विश्वेंद्र ने इन द्वीपों में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। I would like to tell you that this is one of the best airports in the country, maybe Asia, because of the technology, all the walls with these glass paneling you see, it's not on a fixed frame, it's on, suspended on a wire which makes it airport earthquake resistant. So if you see it technologically, we are far superior, we can handle many number of passengers here. समारोह की मुख्य अतिथि विशेष सचिव नंदिनी महाराज ने नए यात्री टर्मिनल के उद्घाटन का एक वर्ष पूरा होने पर सभी को बधाई दी। This airport is the gateway to Andaman for the rest of the world. This is the first place every tourist lands on, every government official lands on, every investor lands on, every person who is going to have any sort of association with Andaman lands up here in the first instance. So it is wonderful that we have such an amazing space to welcome everybody who comes here. And it is my hope that the rest of Andaman and the rest of Andaman's infrastructure will live up to the standard that this airport has created. And it is very important that we hold regular functions like this to remember and to honor the effort that has gone into this. This airport is a manifestation of our vision and of our effort, and I would like to congratulate everyone here. Inspired from the nature, the architectural design of the airport terminal building resembles with shell-shaped structures depicting sea and island. समारोह के बाद दूरदर्शन से खास बातचीत करते हुए हवाई अड्डा निदेशक देवेंद्र यादव ने बीते एक साल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। पिछले एक साल से हम एक मिशन मोड में एयरपोर्ट के ऊपर पैसेंजर सेंट्रिक जो फैसिलिटीज हैं उनको डेवलपमेंट करने में लगे हुए हैं। एक साल के अंदर हमारी जो मुख्य उपलब्धियाँ हैं वो सबसे पहले तो DVR का हमने ऑपरेशनलाइजेशन किया है। DVR के ऑपरेशनलाइजेशन होने से पोर्ट ब्लेयर एयरफील्ड के अंदर जो एयर नेविगेशन के अंदर स्टिकता हमने हासिल की है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का ऑपरेशनलाइजेशन हमने किया है और जो कि एक क्रांतिकारी एयर नेविगेशन एड है जो खराब मौसम रात के समय भी एयरक्राफ्ट ऑपरेशन की क्षमता प्रोवाइड करता है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा हकीकत साबित होने जा रही है। हम इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए भी काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि नवंबर से कुआलालंपुर टू पोर्ट ब्लेयर हमारे इंटरनेशनल ऑपरेशंस स्टार्ट हो जाएंगे। हमने इस एयरपोर्ट को एज ए कॉमर्शियल हॉटस्पॉट डेवलप करने के लिए भी 12 फूड एंड बेवरेजेस के आउटलेट्स, 6 कॉमर्शियल आउटलेट्स चालू कर दिए हैं और ये पिछले एक साल की हमारी मुख्य उपलब्धियां हैं। उड़ान योजना के तहत पोर्ट ब्लेयर से निकोबार तथा अन्य द्वीपों के लिए 19 सीट वाले विमानों का संचालन शुरू होगा। अभी RCS जो स्कीम है उसके तहत
शिवपुर रेडी है, कार निकोबार रेडी है, कैंबल बे के अंदर जो टर्मिनल बिल्डिंग का काम जो है वो अवार्ड कर चुके हैं, तो वहाँ निर्माण चालू हो जाएगा। तो इन तीन जगह पर तो हमारा जैसे इस डिफेंस एयर स्ट्रिप के ऊपर सिविल उसका प्लान है, उसके साथ में सी प्लेन्स के लिए भी जो हैवलॉक, नील और लॉन्ग आइलैंड, तो वहाँ पर वाटर एयरड्रोम्स और सी प्लेन की जो है वो योजना है। श्री देवेंद्र यादव ने जानकारी दी कि नाइट लैंडिंग के सफलता के बाद इस साल नवंबर माह से यात्री विमान पोर्ट ब्लेयर में नाइट लैंडिंग कर सकते हैं। नाइट लैंडिंग के लिए हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से तैयार है। कोई भी अभी हम टेस्ट भी कर चुके हैं, कुछ हमें पहले ही डिफेंस का जो एयरक्राफ्ट है वो रात को उतरा था। तो अभी एयरलाइंस इनका अक्टूबर के अंदर अपना एक विंटर शेड्यूल आता है, तो उस अक्टूबर के जो विंटर शेड्यूल के अंदर जो है शाम के समय एयरक्राफ्ट का एयरलाइंस का प्लान है। इस मौके पर अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष एम विनोद ने भी दूरदर्शन से बातचीत की। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा पूरे एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम और अंडमान निकोबार की जनता को। आज इस भव्य एयरपोर्ट का उद्घाटन होकर एक साल पूरा हो गया और हमें बहुत खुशी है कि इस एक वर्ष में इस नए एयरपोर्ट के उद्घाटन से द्वीपों के पर्यटन में बहुत बदलाव देखा गया। हमें जो उम्मीद थी इस एयरपोर्ट से उतना बदलाव हमें मिला नहीं, बट जो बदलाव मिला वो भी हमारे द्वीपों के पर्यटन के लिए बहुत है। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी, जैसा कि भी आपने सुना एयरपोर्ट डायरेक्टर ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें इस एयरपोर्ट से उड़ान भरेगी। तो मैं मानता हूं कि आने वाले नवंबर में जब यहां से इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट होंगे, ये ना सिर्फ अंडमान टूरिज्म के लिए बट यहाँ के लोगों के लिए भी एक गेम चेंजर होगा। साथ ही साथ आपने सुना कि यहाँ पर नाइट लैंडिंग फैसिलिटीज़, सारे इक्विपमेंट्स लग गए हैं। नाइट लैंडिंग फैसिलिटी इस एयरपोर्ट में जो जो सुविधाएं हैं, मेरा मानना है कि ये सब जब पूरी तरह से लागू हो जाएगी अंडमान पर्यटन और द्वीपवासियों के लिए ये बहुत लाभदायक होगा। नाइट लैंडिंग होने से हमारी जो एयरफेयर की समस्याएं हैं हमें उम्मीद है कि वो कम होगी। और यहाँ से उड़ान स्कीम में जैसे अभी उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी कैंबल बे, कार निकोबार, डिगलीपुर, यहाँ से भी उड़ानें भरेगी। ये सब हम उम्मीद करते हैं कि इस पहली वर्ष की वर्षगांठ पे आज जो एयरपोर्ट डायरेक्टर ने कहा है ये सब जल्द लागू होगी और द्वीपों के पर्यटन, द्वीपों के द्वीपवासियों सबके लिए एक बहुत अच्छे दिन बहुत जल्दी आएंगे। समारोह के बाद पुराने यात्री टर्मिनल भवन में विमान पतन प्राधिकरण ने सृष्टि कम्युनिकेशन और नारायण हेल्थ सिटी बेंगलुरु के सहयोग से हृदय स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन हुआ जो 20 जुलाई तक चलेगा। शिविर में हृदय की निःशुल्क जांच की जा रही है। आम जनता सवेरे 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक इस निःशुल्क शिविर में अपने हृदय की जांच करा रहे हैं। इस हृदय जांच शिविर के बारे में मुख्य भूमि से आए डॉक्टर ने दूरदर्शन से बातचीत की। सो वी आर डूइंग स्क्रीनिंग फॉर द कार्डियक हेल्थ चेकअप्स लाइक बीपी, शुगर एंड ऑल वी आर चेकिंग। So in like in our Indian population and the whole world population, around 2% of whole world population suffering from heart diseases like heart block and all. So we have to be aware of that. So we have to prevent the heart diseases before that. Okay. So we are doing camps here. So people can come here and do that preventive test and all. So we can diagnose the heart disease at earliest. So it will help your lead your life for so long. So if there is any long-term BP patients, long-term sugar patients, if anyone is there in Port Blair, come to airport terminal and we can do the test and we can do that ECG and echo is available here. So we can do further screening and we will see.